अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुमताज़, मेरे चैनल पर आप सबको स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहना। जो पहले से किया हुआ है उन सबको थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप करके ना देखना, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। रेसिपी तो बिंगोली का एक बहुत ही अच्छा एक रेसिपी लेकर आई हूँ, सूजी का मालपुआ रेसिपी। तो ये मालपुआ रेसिपी कैसे बनाया जाता है, मालपुआ पीठा, तो चलो हम देख लेते हैं। तो ये जो मेजरमेंट कप है, तो इसी कप का ही ले लिया एक कप सूजी और एक कप ले लिया मैदा। तो ये देखिए सफ़ेद वाला तिल, जो डेकोरेशन के अच्छा लगेगा दिखने में, ऊपर से दे दूंगी इसलिए। सफ़ेद तिल ले लिया, नमक थोड़ा सा ले लिया, खाने की सोडा, दूध और शक्कर। तो ये देखिए और भी एक ऐड होगा जो पाउडर दूध, तो इसमें दिखाया नहीं गया, तो जब भी मैं यूज़ करूँगी तभी इसमें दिखा दूँगी। तो ये देखिए एक कप ले लिया सूजी और ले लिया एक कप मैदा। तो मैदे की बदले आप आटे में से भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे में से, बट इसमें ज़्यादा टेस्टी लगता है मैदे में से बनाया। तो ये देखिए अभी दे दिया बेकिंग सोडा, अभी दे दिया थोड़ा सा नमक। तो खाने की सोडा या बेकिंग सोडा आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अभी दे दिया शक्कर। तो सबको एक साथ मिला लेंगे बहुत अच्छे से। और इसी टाइम पे आप चाहे तो पाउडर दूध यूज़ कर सकते, तो मैं बाद में यूज़ किया। तो ये देखिए अभी सबको एक साथ दे के मिला लिया। पाउडर दूध देने में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दिगुना हो जाएगा इसलिए। और मैं ये देखिए अभी दे दिया दूध। तो दूध को गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया था, फिर यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसी जगह पे आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, दूध के बदले पानी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं दूध दे दिया, तो मेरे को 2 ग्लास दूध यूज़ हुआ और आपको कम ज़्यादा लग सकता है। तो ये देखिए दूध देने के बाद मैं सबको एक साथ मिला लेंगे। तो बहुत अच्छे से मैं मिला लिया। अभी मैं दे दिया पाउडर दूध। तो पाउडर दूध देने के बाद बहुत अच्छे से मिला लूँगी। एक बार ये रेसिपी घर पे बना के देखो, मालपुआ पीठा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पीठा ठंड के मौसम में हम ज़्यादा बनाते हैं बंगाली लोग, तो ठंड के मौसम में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज बारिश हो रही है, तो मुझे लगा कि आज मालपुआ पीठा ही बना लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, तो मैं ढक के रख दिया था 20 मिनट की जैसा, कि अच्छे से सेट हो जाए सूजी में जो दूध और मैदा दिया। तो बहुत अच्छे से सेट होने के लिए मैं दे दिया था 20 मिनट के लिए। आप ज़्यादा जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही अच्छा है। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं 20 मिनट ही रख दिया। तो आप 30 मिनट रखोगे तो भी और भी अच्छा रहेगा। तो ये देखो अभी कढ़ाई में तेल दे दूँगी। तो ये देखिए कढ़ाई में तेल दे दिया। तो ये देखिए, तो इस तरीके से एक प्लेट इसमें दे देना है और बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। तो इससे भी छोटा आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा लिया तो ज़्यादा अच्छा है, बट इससे ज़्यादा छोटा मेरे पास नहीं था इसलिए मैं यही प्लेट दे दिया। तो देखिए प्लेट का जो प्लेट अच्छे से गर्म हो गया था, तभी अभी दे दूँगी जो बटर रखा था। ये देखिए, तो सूजी और मैदा का जो बटर था वो दे दिया। ऊपर से मैं दे दिया तिल, सफ़ेद वाला तिल, जो दिखने में अच्छा लगेगा और मुंह में जब भी लगेगा ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दे दिया। ये देखिए, तो कैसे मैं कर रही हूँ आप सब ध्यान से देखिए, और इसी तरीके से आप लोग भी करना, बहुत अच्छा लगेगा। और ये ऑटोमेटिकली फूल के मतलब आ जाता है, निकल के आ जाता है, नहीं चिपकता नहीं है, क्योंकि पहले से गरम बहुत अच्छे से कर लेना है तो नहीं चिपकेगा।
तो ये दोनों हाथों में से करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो एक हाथों में से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो देखिए एक तो रेडी हो गया, इस तरीके से मैं सब पीठा को बना लूँगी। तो ये पीठा एक बार घर में बनाना और बच्चे को देना, बच्चे तो बहुत ही मज़े से खाएगा और बड़े भी बहुत मज़े से खाएगा। तो जो बनाया हुआ है उन सबको तो पता ही है कितना टेस्टी है ये मालपुआ रेसिपी, और जो नहीं बनाया तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ इसी तरीके से एक बार बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है खाने में और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। घर में जब भी मेहमान आएगा तो इस तरीके से बना के दोगे तो बहुत खुश हो जाएगा। देखिए किस तरीके से फूल के ऑटोमेटिकली निकल के आ रहे हैं। देखिए कितना फूल गया ना। इसी टाइम पे आप लोग जो भी लाइक करने को भूल गया, तो मेरी रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और लाइक तो ज़रूर कर देना, और ज़्यादा अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि अब अगले जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए, तो एक एक करके सब पीठा को मैं बना लिया, अभी मैं सब करके आप सबको दिखा रही हूँ कैसे बना है। तो ये देखिए फुल रेडी, और खाने में तो बहुत ही मस्त है। तो इसी तरह के मालपुआ तो आप लोग सब बनाते ही होंगे घर पे, तो इसी तरीके से एक बार नहीं बनाया तो बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो तो आप लोग और क्या रेसिपी देखना चाहोगे तो वो मुझे कमेंट में बता देना, कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वो रेसिपी मैं ज़रूर लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा रेसिपी के साथ। तो उससे पहले मैं ये तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है, और अंदर कैसे पका या नहीं वो भी दिखा देती हूँ, तो देखिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा कोई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहो, बिंदास रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।